उषना कुमार एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें हिंदी भाषा के संगीतमय थ्रिलर फिल्म बेवफा सनम में सुंदर सहगल की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह टी सीरीज के स्थापक गुलशन कुमार के छोटे भाई है। उषना भारत के सबसे बड़े म्यूजिक लेबल और मूवी स्टूडियो टी सीरीज के प्रमुख व्यक्ति में से एक है। उषना कुमार जिन्हें उषना कुमार हुआ के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म दरियागंज शाहजहानाबाद में हुआ था। उनके परिवार के जड़े पश्चिमी पंजाब के ज्ञातापात में है, जहाँ से उनके माता पिता ने 1947 में भारत के विभाजन के दौरान हिंदू विरोधी दंगों के बाद शरणार्थी के रूप में दिल्ली चले आए थे। उषना कुमार के पिता चंद्रभान एक फल विक्रेता थे जो भारत के विभाजन के बाद दिल्ली चले आए। उनके बड़े भाई गुलशन कुमार टी सीरीज के स्थापक है। उषना कुमार ने 1 जुलाई 2002 को भारतीय अभिनेत्री तान्या सिंह से शादी की। शादी से पहले इस जोड़े ने कुछ समय तक डेटिंग की। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम नितिशा कुमार है। उनके भतीजे भूषण कुमार टी सीरीज के अध्यक्ष है और प्रबंधक निदेशक है। उनकी भतीजे तुलसी कुमार और खुशाली कुमार प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है। उनके ससुर अजीत सिंह एक संगीतकार है। उनकी भाभी नताशा सिंह एक अभिनेत्री है। उषना कुमार ने एक अभिनेता के रूप में अपने करियर की शुरुआत 1993 में हिंदी भाषा की रोमांटिक थ्रिलर फिल्म आजा मेरी जान से की, जिसमें उन्होंने चांद कपूर की भूमिका निभाई। फिल्म फ्लॉप रही, इसके बाद वह हिंदी फिल्मों में कसम तेरी कसम और सपना में दिखाई दिए। हिंदी फिल्म बेवफा सनम में सुंदर सहगल की भूमिका निभाने के बाद उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। 2000 में वह हिंदी फिल्म पापा द ग्रेट में दिखाई दिए। 2019 में एक महिला ने मुंबई के ओसीवाला पुलिस स्टेशन में उषना कुमार और भूषण कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद उषना कुमार द्वारा महिलाओं के खिलाफ आंबोली पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज करने के कुछ घंटों बाद महिला ने यह कहते हुए अपनी शिकायत वापस ले ली कि उसने हताशा और अवसाद के कारण उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे। जाहिर तौर पर गुलशन कुमार बहुत कम उम्र से ही अभिनेता बनना चाहते थे। हालांकि अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण वह अपना सपना पूरा नहीं कर सके। जब गुलशन ने टी सीरीज के साथ अपना नाम कमाया तो उन्होंने एक फिल्म का निर्माण किया और अपने भाई उषना कुमार को लॉन्च किया, जो उम्मीद करते हुए कि उषना एक दिन सुपरस्टार बनेगा। लेकिन उषना की ज्यादातर फिल्में असफल रही। अपने भाई गुलशन कुमार के निधन के बाद उषना कुमार गहरे अवसर में चले गए। उन्होंने अभियान छोड़ दिया और अपने भाई के बच्चों की देखभाल करने लगे।